एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी इंपॉर्टेंट था। इसमें कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका मैंने फिगर इसमें बना रखा है। इसमें कह रहा है जो जो अपोजिट साइड होता है, एक मतलब सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल के क्वाड्रिलेटरल, मतलब सर्कल जो इस तरह का इसमें फिगर बनेगा जो आपको इसमें है, इस तरह का फिगर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का फिगर बन रहा है, इसमें कह रहा है जो इसका जो सेंटर पर जो इसका एंगल बन रहा है, ये एंगल ऐसे और ये एंगल ऐसे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री का होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने फिगर इसमें बना रखा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। देखो इसमें ये है, तो इसमें आपको क्या ट्रू प्रूफ करना है, जो एंगल ए ओ बी, देखो एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल और प्लस एंगल डी ओ सी या फिर सी ओ डी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री का होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, आपको इसके जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको आपको क्या करना है, जो ऐड कर देना है। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसे देखो मतलब ज्वाइन कर देते हैं, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी है उसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके नाम नाम दे देता हूँ मैं, जैसे ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया, ठीक है। इसका हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिया और ये सारे एंगल जो है उसका भी हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। जैसे मान लो एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन और एंगल एट, मतलब एंगल ए ओ बी जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यानी कि एंगल वन प्लस एंगल टू होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू, अब प्लस में ये कितना हो जाएगा, ए सी ओ डी क्या हो जाएगा, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, तो एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपने ये चीज प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, ज्वाइन करा है ओ एस, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर को, यही करा है कंस्ट्रक्शन हमने। टू प्रूफ हमें क्या करना, वो भी मैंने इसमें लिख ही दिया है, ठीक है। तो यहां से आते हैं हम प्रूफ पे, देखो इसमें प्रूफ पे हम कैसे आएंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो ट्रायंगल में हम आते हैं, जैसे एक ये ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ये ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है। मतलब देखो इन ट्रायंगल आर ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू, ठीक है, यही दो ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री का बनेगा दोनों तरफ, इधर भी 90, इधर भी 90 बनेगा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हम आए हैं, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रेंट करूंगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट करने का क्या तरीका है, देखो यहां पर इस एंगल का क्या नाम है, एंगल सी आर ओ मतलब ओ आर सी, एंगल ओ आर सी इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी, एंगल ओ क्यू सी क्यों, क्योंकि देखो ये ईच जो है वो 90 डिग्री का है, दोनों एंगल 90 डिग्री का है, उसका देखो इसके सामने वाला साइड क्या है, ओ सी, इसके सामने वाला भी साइड ओ सी है, तो यानी कि ओ सी और ओ सी हाइपोटेनस हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू ओ सी, और ये क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल का ये पार्ट है। और उसके बाद देखो ये दोनों पार्ट हो गया, आर सी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, कैसे, आर सी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, ये जो आर सी है ये सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये दोनों टेंजेंट्स है, देखो ये दोनों टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो मैं लिख दूंगा यहां पर टेंजेंट, रीजन क्या लिखूंगा मैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट,
जब भी कभी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होता है एक ही सर्कल पर तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए मैंने RC इक्वल CQ लिखा है। ठीक है, अब देखो ये RHS से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। तो मैं लिखूंगा यहां पर जो ट्रायंगल ROC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COQ का, ठीक है, बाय RHS क्राइटेरिया से। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 5 इक्वल एंगल 4 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, सीपीसीटी से। तो मैं लिख दूंगा यहां पर एंगल 5 इक्वल एंगल 4 बाय सीपीसीटी से, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो एंगल 4 इक्वल एंगल 5 आ गया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा आरएचएस से तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल करेंगे तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा। तो हमें ये इतना सारा करना नहीं, इतना करेंगे तो हम 4-5 पेज का ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं सिमिलरली करके। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो एंगल 4 अगर 5 के इक्वल है तो एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है। ये भी सीपीसीटी सही हो जाएगा और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल 1 इक्वल एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 8 हो जाएगा और उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 भी हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएगा सीपीसीटी से हो जाएगा, ठीक है, सब के सब सीपीसीटी से ही होगा। हम क्या करेंगे, इन सब को इक्वेशन लेट कर लूंगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ऐसे लेट कर लेता हूं। अब देखो, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी लगाना है आपको, देखो ये यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ये कितने का बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ये चीज हमें पता है। ये जो सारे एंगल का, ये जो सब जितने भी एंगल है ये टोटल एंगल का सम कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो मैं वही चीज यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, एंड वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। हम जानते हैं जो ये सब एंगल का जितना भी एंगल यहाँ पर बनेगा सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। अब तो देखो 360 डिग्री मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब देखो आपको क्या करना है, एंगल 1 2 और 5 और 6 ये दोनों सवाल आपका सवाल प्रूफ होगा। तो 1 2 5 6 को हम चेंज नहीं करेंगे, बाद बाकी सबको चेंज कर देंगे। 1 2 5 6 को हमें चेंज नहीं करना, मैं पहले से इसमें मार्क कर लेता हूँ, 1 2 5 और 6 को चेंज नहीं करना है, बाद बाकी सबको आप क्या करो चेंज कर लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखो एंगल 3 के बदले में एंगल 2 लिख सकता हूं मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 को भी चेंज करना तो एंगल 4 के बदले में एंगल 5 लिख सकता हूं, तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 को चेंज नहीं करना है, एंगल 6 को भी चेंज नहीं करना है प्लस एंगल 7, तो एंगल 7 के बदले में एंगल 6 लिख सकता हूं मैं, एंगल 6 और प्लस एंगल 8 के बदले में एंगल 1 लिख सकता हूं मैं, एंगल 8 लिख सकता हूं इक्वल टू 360। यहां पर लिख दो आप फ्रॉम कौन कौन सा इक्वेशन यूज हुआ है, इक्वेशन कौन कौन सा यूज हुआ है सब लिख देता हूं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबसे, ये सारे इक्वेशन से ही हमने ये चीज यहां पर लिखा है, ठीक है। अब देखो ये एंगल 1 जो है ये भी सॉरी ये एंगल 8 को तो हमें चेंज करना था ना, एंगल 8 के बदले में एंगल 1, ठीक है ये मिस्टेक हो गया, एंगल 8 नहीं रखना था ना हमें, तो एंगल 8 का 8 की जगह पर मैं एंगल 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो एंगल 1 भी दो बार है, एंगल 2 भी दो बार है, उसके बाद एंगल 5 भी दो बार है और एंगल 6 भी दो बार है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें से मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेता हूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, मैंने 2 क्या करा कॉमन ले लिया। तो यहां से देखो
यहाँ पर क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 बाय में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर अगर आएगा तो ये डिवाइड में आएगा, आ जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना था, आप फिगर में देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि एंगल ए ओ बी है, एंगल 1 प्लस 2 मिलकर के एंगल ए ओ बी बन रहा है। देखो यही चीज आपको प्रूफ करना था ना, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा था, ए ओ बी प्लस सी ओ डी तो प्रूफ हो ही गया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन दोनों की जगह पर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 यानी कि एंगल सी ओ डी बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल सी ओ डी इक्वल टू ये कितना बचा 180 डिग्री, और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये चीज आपको यहाँ पर प्रूव्ड करना था, ये चीज लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।